wow! I'm so beautiful. Hello guys, this is Sanya. Welcoming you all in my channel, Dreamy Sanya. Hope you are good. I'm back with a new makeup look. और आज काफ़ी टाइम के बाद ही आई थिंक मेकअप लुक आ रही है. हो गया आई थिंक 1 वीक. तो सो एक डिफरेंट सी यूनिक सी मेकअप लुक लेकर आई हूँ. दुर्गा पूजा, अष्टमी, नवमी, काफ़ी सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, दशहरा आ रहा है. सो आप ये मेकअप लुक उसमें ट्राई कर सकते हैं. काइंड ऑफ बंजारा मेकअप लुक है, नॉट प्रॉपर बट अ काइंड ऑफ हिंट दिया है इसमें बंजारा लुक का. सो कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सो बातों को नहीं बढ़ाते हैं, सीधा मेकअप पे चलते हैं. अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है और आप फिर फुल वीडियो नहीं देखते हैं, स्किप कर करके देखते हैं. तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ. सो मेकअप स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फेस वॉश कर लिया है, आप अपने फेवरेट फेस वॉश कीजिए एंड उसके बाद टोनर अप्लाई कीजिए. टोनर क्या करेगा, आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करेगा. यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का नीम एंड तुलसी ग्लो टोनर. काफ़ी अच्छा है, रीजनेबल प्राइस में आ जाता है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं. टोनर को सूखने दीजिए 1-2 मिनट लगा के. उसके बाद मैंने यूज़ किया है वाओ का ओपटन फेस सीरम. दिस इज़ माई करंट फेवरेट सीरम, बहुत पसंद आ रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. मैं इसे 2x a day यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छे से रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं. सो स्किन केयर हमारा यहाँ डन हो जाता है. तो अब चलते हैं हमारे मेकअप की तरफ. मेकअप में सबसे पहले यूज़ करना है प्राइमर. एज वी ऑल नो प्राइमर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ कलर स्क्रीन का, काफ़ी रिजनेबल प्राइस में आ जाता है. आई थिंक इससे सस्ता कोई प्राइमर होगा नहीं. जिस तरह से इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. पोर्स को एकदम से ब्लर आउट कर देता है, आपके फेस को मैट कर देता है. ऑयली स्किन वाले डेफिनेटली इस प्राइमर को यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट हम चलते हैं फाउंडेशन की तरफ. फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे 9 to 5 प्राइमर मैट फाउंडेशन. दिस इज़ माइन तो फेवरेट है ये फाउंडेशन. इसके साथ साथ मेरी मम्मा का भी काफ़ी फेवरेट फाउंडेशन है. उन्हें कहीं भी जाना होता है वो यही फाउंडेशन की रिक्वेस्ट करती कि मुझे ये वाला दो. सो इसमें मेरा शेड है W120 वार्म क्रीम. सो फेस पे लगा लेंगे, ब्रश की हेल्प से ही लगा रही हूँ. पैक का ब्रश यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे फाउंडेशन एंड अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे. बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी ले रही हूँ. अगर आपको बाद में लगे कि क्वांटिटी कम है दोबारा ले लीजिए. एक ही बार में ज़्यादा लगाएंगे ना तो उससे केकी लुक आ सकता है. और फाउंडेशन की कोशिश कीजिए कि कम से कम लगे. फाउंडेशन यहाँ अच्छे से ब्लेंड हो गया. नेक वगैरह, ईयर सब कुछ अच्छे से लगा लीजिए. एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर, ऑल टाइम फेवरेट कंसीलर. आई थिंक काफ़ी लोगों का फेवरेट है क्योंकि एक तो इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, सेकेंडली ये बहुत बजट फ्रेंडली आ जाता है. सो इसमें मेरा शेड है 02. बहुत ही अच्छा वाला फाउंडेशन है. ये मेरी सेकेंड ट्यूब है जो कि ख़त्म होने वाली है. सो जल्दी हम थर्ड भी मंगाने वाले हैं. उसके बाद बेस को सेट करना है. ऑब्वियसली सेट करना बहुत ज़रूरी है, फटाफट से सेट कर लीजिए बेस को. मैं यूज़ कर रही हूँ सेट करने के लिए स्विस ब्यूटी का लूज फिनिशिंग पाउडर इन द शेड 02 बनाना पाउडर. या इसके पार्टिकल्स बहुत ही फाइन है. ये भी मेरा ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा ही रह गया. फाइन पार्टिकल्स हैं, बजट फ्रेंडली. फेस सेट हो गया, अब चलते हैं हमारे आई पार्ट पे. सबसे पहले आईब्रोज को फिल इन कर लूँगी. आईब्रोज मेरी ग्रूम नहीं है, बस इस वीकेंड पे मैं डेफिनेटली कराने वाली हूँ. अभी नवरात्रे चल रहे हैं दैट्स व्हाई नहीं करा पाई. सो हल्का सा फिल इन करेंगे. हल्का, पहले मुझे थोड़ी सी हैवी लग रही थी, देन उसे इरेज कर दिया मैंने. उसके लिए मैंने यूज़ क्या किया, लॉरियल के ब्राउ आर्टिस्ट जीनियस किट, ऑल टाइम फेवरेट पैलेट है. ये थोड़ी सी कॉस्टली है, 950 के अराउंड आती है, बट वह देता है. एक बारी वैसे लगा लीजिए, ये आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली है. सो यहाँ हमारी ब्राउज कंप्लीट हो गई है. आई शेडो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ SFR की हेटेड विद लव पैलेट. बहुत ही सुंदर सी, ब्यूटीफुल सी, येट बजट फ्रेंडली, प्लस काम भी करती है ये पैलेट. इसमें से मैं यूज़ कर रही हूँ पैरेट ग्रीन कलर का शेड और उससे अपने पूरे आईलेट पे ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से लगा लेंगे. दोनों आईलेट पे लगाने के बाद मैं एक ब्राउन शेड लूँगी एक ट्रांजिशन क्रिएट करने के लिए, सो दैट ना ऐसे पॉपअप ना हो आईज, क्योंकि हमारी ड्रेस आज काफ़ी पॉपअप है. तो कोशिश कीजिए बाकी कोई एलिमेंट इतना पॉपअप ना हो अगर आपका ड्रेस का कलर इतना ज़्यादा ब्राइट हो तो. लोअर लैश लाइन में भी मैंने ग्रीन आई शेडो लगाई है. आई शेडो पार्ट यहाँ डन होता है. अब आई लाइनर की बारी है. आई लाइनर भी मैं आई शेडो से ही लगाने वाली हूँ. इसी पैलेट से लिया है मैंने ये ब्लैक कलर. प्लस आप कोई भी पेंसिल ब्रश, एंगुलर ब्रश या इस तरह का स्मॉल फ्लैट ब्रश ले लीजिए जिससे भी आप कंफर्टेबल आई लाइनर लगाने में. सो मैं ब्लैक आई शेडो से आई लाइनर ड्रॉ कर लूँ. काफ़ी थिक सा लगाया है एज आई सेड बिफोर कि मैंने बंजारा लुक का हिंट देने का ट्राई किया. सो आई लाइनर लगा लिया एंड उससे लोअर लैश लाइन में स्मज भी किया है हल्का सा. क्योंकि यहाँ हमारा आई शेडो पार्ट कम्प्लीट हो जाता है. अब चलते हैं हमारे फेस पार्ट पे. ब्लश के लिए मैंने यूज़ किया रेवोल्यूशन प्रो की 4K ब्लश पैलेट इन द शेड पिंक. बहुत ही ब्यूटीफुल सी पैलेट है, इसकी शेड रेंज बहुत अच्छी है. सारी है ये वाला शेड मेरा ऑल टाइम फेवरेट है. यही कॉरल टोन को मैंने एज अ ब्लश यूज़ किया. प्लस मुझे ना ब्लश थोड़ा सा न्यूडिश में चाहिए था. सो मैंने क्या किया, वेट एंड वाइल्ड की कंटोर पैलेट से अपना कंटोर शेड लिया एंड उसे उसी के अंदर ही ब्लेंड कर दिया.
सो जैसी लुक मुझे चाहिए थी, एक टैन सी लुक, वो आ गई है। और हाइलाइटर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने रेवोल्यूशन प्रो की पैलेट से ही यूज़ किया है दिस शिमर शेड, हाइलाइटर भी कर लिया है। आईज़ पे हाइलाइटर करने के लिए मैंने यूज़ किया था हेटेड विद लव पैलेट का ग्लिटरी, नहीं सॉरी, शिमरी ग्रीन कलर। उससे काफ़ी अच्छे से आईज़ हाईलाइट हो गई हैं। सो इस तरह से हमारा फेस एंड आई मेकअप कम्प्लीट होता है। अब चलते हैं, काजल रह गया था पहले, सो काजल लगा लेते हैं। काजल मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मामाअर्थ का, स्मच नहीं होता है उसकी, बहुत अच्छी चीज़ है कि ये स्मच नहीं होता। सो काजल लगा लिया, उसके बाद चलते हैं मस्कारा पे। मस्कारा भी यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का लैश पैराडाइज वॉल्यूमिनस मस्कारा, बहुत ही अच्छा मस्कारा है, एकदम से हाईलाइट इफेक्ट देता है आपकी आईलिड को। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी आप अपने लैशेस पे इसे लगाएंगे और ऐसा लगेगा कुछ नहीं लगा रखा, डेफिनेटली आपको एक अच्छा सा इफेक्ट दिखने वाला है ये लगाने के बाद। उसके बाद हम चलेंगे लिपस्टिक पे। लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट की इन द शेड ब्रांच न्यूट 301। बहुत ही इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है, क्रीमी मैट फॉर्मूला है, बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करती आपके लिप्स को। इसे मैंने टॉपअप किया है एक कलर्स क्वीन की मॉव शेड की लिपस्टिक के साथ। ये लोकल मार्केट से ली थी, इस पर कोई भी शेड नेम नहीं लिखा है, बट ये काइंड ऑफ मॉविश शेड है। सो उसे मैंने टॉपअप किया है टू गिव दिस लुक। एंड उसके बाद बिंदी की थोड़ी सी कमी लग रही थी, सो मैंने मेबेलिन कोलोसल के काजल से बिंदी लगा ली है। एंड या हम कर लेते हैं ड्रेस को चेंज। सो ड्रेस चेंज करने के बाद चलते हैं हमारे हेयर स्टाइल पार्ट पे। हेयर्स के लिए मैंने साइड पार्टीशन किया है एंड एक साइड पे मैंने लगाई है पिन ब्लैक कलर की, जैसे कि आप देख रहे हैं, और दूसरी साइड में मैंने स्मॉल सा बन बना लिया, उसे टिक टैक पिन से सिक्योर कर दिया। उसके बाद हम चलते हैं ईयरिंग पार्ट पे। ईयरिंग दिस ब्यूटीफुल से ईयरिंग्स की मेरी उमा लाई थी मेरे लिए, ईयरिंग्स डाली हैं। एंड देन नेक में मैंने जो बीडेड माला डाली है वो है क्रिस्टल बीड्स हैं उसमें, उसकी शाइन बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। फिर हम चलते हैं हमारे नेल पेंट पे। नेल पेंट भी ऑब्वियसली ज़रूरी है, हम पूरा तैयार हो जाएं, नेल्स ना अच्छे से लगें तो कैसे जा सकता है। सो ब्लैक और ग्रीन का कॉम्बो लगाया मैंने नेल्स पे, एंड फिर उसके बाद मैंने डाल लिया एक रिंग सिल्वर एंड ब्लैक में, और उसके बाद डाला है ब्रेसलेट। इसके साथ हमारी लुक कंप्लीट हो जाती है। अब आप इंजॉय कीजिए मेरी फाइनल फिनिश लुक, और मैं मिलती हूँ आपसे एक ब्रांड न्यू वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एंड अच्छी लगे तो क्या करना, आपको बहुत सारा लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करना है, और नेक्स्ट मेकअप लुक के लिए रेडी रहिएगा, जल्दी ही आने वाली है क्योंकि फेस्टिव सीजन आ रहा है, मेकअप लुक्स तो आनी ही है। और आज की वीडियो को दीजिएगा ढेर सारा प्यार।